चाय के साथ आप भी कुछ नमकीन खाने के शौकीन हैं तो आज आप घर पर ही सूजी से बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बना के तैयार करिए। एकदम डिजाइनदार, एकदम परफेक्ट बनेंगे और इतने मज़ेदार हैं कि आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। क्रिस्पी से ये बनके तैयार होते हैं, खाने में तो मज़ा ही आने वाला है। चाय का मज़ा दो गुना बढ़ जाने वाले हैं जब आप इन खस्तों को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और यहाँ पे मैंने ये सूजी ली है और ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो भी चलेगा, मैं बताऊंगी कि क्या आप कर सकते हैं कि अगर बारीक वाली सूजी नहीं है। और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप क्या करिएगा ना, आधे कप करीब इसमें गेहूं का आटा या फिर मैदा मिला दीजिएगा तो उससे भी ये बारीक जैसी सूजी हो जाएगी और आप खस्ता बना पाओगे। आधी चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधी चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन को क्रश करके मैंने हाथों से डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। साथ में नमक डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल सकते हैं या कुटा हुआ लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया है चाय के साथ खाने के लिए। एक चौथाई कप मैंने यहाँ पे रिफाइंड लिया है, हाथों से अच्छे से मिला देंगे इस रिफाइंड को इस तरीके से। और तेल थोड़ा कम लगता है क्योंकि ये सूजी से बना है, सूजी की चीज़ों में कम तेल लगता है, ऐसा नहीं है खूब ज़्यादा तेल लगता है, तो इससे भी आप बेफिक्र रहें। अब हमें क्या करना है कि इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट डो नहीं लगाना, जैसे हम मटरी वगैरह के लिए सॉफ्ट सा लगाना। आप देख रहे होंगे मेरा डो कितना सॉफ्ट सा लग के तैयार हो रहा है। सॉफ्ट डो लगाने से क्या होगा, जब हम इसको रख के छोड़ देंगे ना तो ये 20 मिनट बाद अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो बस आप इस तरह से सॉफ्ट सा डो लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ और अच्छे से मसल लीजिए। बहुत ही बढ़िया खस्ता आपके बनके तैयार होंगे। और देखें अब हमने डो लगा दिया है इस तरह से अच्छे से किया था। तो अभी हमें इसे क्या करना है कि 20 मिनट जिससे ये डो थोड़ा टाइट भी हो जाएगा और सूजी इसे फूल जाएगी। अब हम इसे हाथों से एक बार फिर से मसल लेंगे, इस तरह से मसल मसल के थोड़ा सा ये चिकना हो जाएगा। चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं हाथों पर हाथों पर चिपकता नहीं है, इस बात से भी बेफिक्र रहें। और जो खस्ता बनेंगे ना बहुत, तो यहाँ पे देखें अब हमने क्या किया है, इसे अच्छे से मसल के गूंद तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं, जितने हमें खस्ते छोटे साइज के बनाने हैं उतनी छोटी लोइयाँ बनानी हैं। अगर खस्ते आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो एक साइज की लोइयाँ मैं यहाँ पे चाकू से कट कर रही हूँ, चाहे तो हाथों से भी तोड़ सकते हैं। और इस तरह से मैंने देखें लोइयाँ कट करके रख ली हैं, लोइयाँ एक साइज की बन जाती हैं इस तरह से अगर पहले से काट के रख लो। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हल्का सा मतलब गोल कर देंगे जैसे रोटी के लिए गोल करते हैं लोई, और इन्हें बेल देंगे। और देखें बहुत ही अच्छे से ये बिल के तैयार हो जाएंगी। देखें हल्का सा इसे हमने थिक रखा है, मतलब मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, हल्की सी ये मोटी रहेंगी, एकदम पतली रोटी जैसे नहीं रहेंगी। और जो डिज़ाइन हम दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने कंघी ली है, एकदम नई कंघी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारे खस्ता में डिजाइन बहुत सुंदर आएगी और दूसरा जो अंदर तक ये क्रिस्पी से बढ़िया से सिक्के तैयार होंगे, दो चीज़ें हो जाएंगी इससे। अब यहाँ पे मैंने पैन लिया था और पैन के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से दबा के इस पर गोला जैसे निशान कर दिया है। आप थोड़ा टाइट हाथों से निशान लगाइएगा ताकि तलने के बाद भी उभरा रहे। तो देखें इस तरह से हमें सारे खस्ते बनाने हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इन्हें किसी भी पार्टी में बना सकते, बर्थडे पे बना सकते या फिर किसी भी समय बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और चाय के साथ खाकर इनका मज़ा ले सकते हैं। अब देखिए खस्ता बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छी डिजाइन के बन जाते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है, झटपट से आप इन्हें बना ले जाओगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी
रेसिपी लगी होगी। अच्छी लगे रेसिपी तो जल्दी जल्दी से लाइक कर देना। और देखें, अब मैंने ये खस्ता भी बना के तैयार कर दिया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आती है इनको तलने की बारी, तो चलिए तल के तैयार कर लेते हैं बढ़िया से खस्तों को। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी खस्ते बना के रख लिए थे, क्योंकि एक बार में हम 4 से 5 खस्ते आराम से सेक सकते हैं। तो यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। देखें, तेल जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, अभी देखें इतना तेल है, और जैसे ही हम सेक के तैयार करेंगे तब भी इसमें तेल बचा रहेगा। तो देखें, अब मैंने धीमी आंच में इन्हें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, क्योंकि हम इन्हें धीमी आंच में इसलिए सेकेंगे क्योंकि क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से सिक भी जाएंगे। तो देखें, अब हमारे खस्ते जो है नीचे से हल्का सा सिक गए हैं, तो मैंने पलट रही हूँ, और एक साथ आप काफ़ी डाल सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने डाले हैं। तो देखें, अब इन्हें मैंने पलट दिया है, बिल्कुल अच्छे से ये पलट भी गए हैं। अब इन्हें सेक लेते हैं बिल्कुल खस्ता होने तक। जैसे ही इन मतलब सिकेंगे तो इनका हल्का सा आपको कलर चेंज दिखेगा, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस इसे निकाल लेंगे, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट सिके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें धीमी आँच में बढ़िया से सेका है। तो बस आँच धीमी रखिए और इन्हें बढ़िया से आप इस तरह से सेक के तैयार कर लीजिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और देखिए डिजाइन भी बहुत ही अच्छी उभर के आई है। ऐसा नहीं है कि तलने के बाद इनकी डिजाइन दिख नहीं रही है, बहुत ही अच्छी से ये डिजाइन दिख रही है, एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारे खस्ता बन के तैयार हुए हैं। जिस किसी को भी ना चाय के साथ आप ये खस्ता खिलाएंगे ना, वो आपकी बहुत तारीफ करेगा कि इतनी अच्छी डिजाइन आपने खस्ते में कैसे बना ली, क्योंकि इतने यूनिक से ये बनके तैयार हुए हैं। तो बस बाकी के खस्ता भी हम इसी तरह से तलकर तैयार कर लेते हैं जैसे अभी किए हैं। और जैसे मैंने बताया कि कढ़ाई में जितने आए उतने डाल दीजिए, और तेल भी ज़्यादा नहीं पीते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं एकदम सूखे कुरकुरे से। तो तल लेते हैं ना इसी तरह से पलट पलट के। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कैसी रेसिपी पसंद है, नाश्ते की या फिर मीठा की या फिर नमकीन की, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपकी पसंद की ही वीडियो अपलोड करूं। और देखिए, खस्ता हमारे बनके तैयार हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, बहुत अच्छी इनकी ऊपर डिजाइन आई है, देखने में एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, और खाने में एकदम क्रिस्पी बिस्किट जैसे हैं। देखिए कितने इजीली टूट रहे हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। आप इस मेजरमेंट के साथ बनाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि कैसी लगी आज की रेसिपी। देखें, मिलेंगे।